हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसके द्वारा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है? वन विभाग के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कौन से नंबर का फॉरेस्ट रिपोर्ट है? 15th, 16th, 17th या 18th? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17th। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 17th नंबर का फॉरेस्ट रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, 3 वर्ष के या 4 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारत वन स्थिति रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1985 में, 1987 में, 1990 में या 2001 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। प्रथम बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने परसेंट तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? 20%, 30%, 33% या 35%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्र में 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण का देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 25%, 33%, 24.62% या 27.62%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.62%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ओडिशा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये एरिया के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अगर एरिया के अकॉर्डिंग पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा सर्वाधिक वन आवरण वाला, और अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछे तो मिजोरम हो जाएगा सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा, भूपेंद्र यादव के द्वारा, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा या धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर में है? 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, 6,07,544 किलोमीटर स्क्वायर या 9,50,355 किलोमीटर स्क्वायर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर पर कुल वनावरण और वृक्षावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर पर है? 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, 6,07,544 किलोमीटर स्क्वायर या 9,50,355 किलोमीटर स्क्वायर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कुल वनावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 की तुलना में देश में वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति में
कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 721 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर, 2261 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2261 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण और वन आवरण में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर पर है? 4992 वर्ग किलोमीटर, 3940 वर्ग किलोमीटर, 2552 वर्ग किलोमीटर या 5674 वर्ग किलोमीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4992 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 किलोमीटर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सुंदरबन, मलयालम प्रायद्वीपीय मैंग्रोव, पिचावरम या भीतरकनिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या मैंग्रोव वन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे अधिक वन आवरण है? दादर और नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप या जम्मू और कश्मीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वन आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या कर्नाटक में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन के जंगल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जंगल में ज्वाला के रूप में जाना जाता है? पलास, ऑर्किड, बांस या रोहिदा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलास। पलास को जंगल में ज्वाला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? सवाना वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को देखे और ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो उसे जरूर देखें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।